करीब 10 महीने का लंबा संघर्ष, लेकिन परिणाम शून्य। जी हाँ, आपको बता दें कि राजीव गांधी युवा मित्र जो गहलोत सरकार में लगे थे, जिनको गहलोत सरकार ने कुछ काम सौंपे थे, वो सभी युवा मित्र पिछले 10 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं। और उन 10 महीनों में इनके कुछ साथी अब इस दुनिया को भी छोड़ चुके हैं, यानी कि उनका संघर्ष इतना विकट था कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। इन्हीं से जानेंगे अब क्या कुछ इनके सभी जो साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं, और अपने इस 10 महीने लंबे संघर्ष को और कितना आगे बढ़ा के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन में, प्रशासन में इन्होंने कई मर्तबा अपनी फाइल भी लगाई है, कई लोगों से ये मिले हैं, लेकिन समस्या एक है कि इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो फाइनलाइजेशन है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास में है, और मुख्यमंत्री जी से इन्हें मिलने का अभी तक समय नहीं मिला है। तो आखिरकार इनका भविष्य क्या होगा, इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, करीब 10 महीने हो गए, और जैसा कि अभी भी आपने बताया, आपका एक और साथी अब इस दुनिया से विदा हो गया है संघर्ष करते करते, इस संघर्ष को कहां तक लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस वर्तमान दौर में कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी के दर्द को हम झेल रहे हैं, हमारे परिवारों का पूरा भरण पोषण हमारी नौकरी के ऊपर डिपेंड था। उस नौकरी को, उस रोजगार को वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमसे छीन लिया, और उसका एक कारण था, सिर्फ हमारे नाम में राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ था। हम तो सरकार से पहले भी मांग करते करते थक जाते हैं कि आप इनको नाम बदल के अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, किसी भी नाम दे दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। आज लगभग 10 महीने हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, झूठे आश्वासनों से भी हम थक गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 7 सीटों के उपचुनाव आ रहे हैं, इस उपचुनाव से पहले पहले इन 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली करें, किसी भी विभाग में करें, किसी भी नाम से करें, लेकिन हमारे रोजगार को लौटाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दो साथी, एक राजकुमार गुप्ता दौसा का, जो पहले धरने पे, जब शहीद स्मारक पे धरना चल रहा था, तब खत्म हो गया था इसी नौकरी के सदमे में, और अब रविंदर चौधरी जो पाली का है, उसने भी सुसाइड कर लिया इसी नौकरी के चलते। आप समझ पा रहे हो और कितने युवा मित्रों की मौत की घाट उतारना चाहती है भजनलाल सरकार। आखिर भजनलाल सरकार से उम्मीदें तो ये थी कि जहाँ आप मोदी जी की गारंटियों की बात करते हो, रोजगार देने की बात करते हो, उसके उलट 5,000 रोजगार जो पा रहे थे युवा, उनका रोजगार छीन लिया आपने, उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, सुसाइड के लिए मजबूर हैं युवा मित्र। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा पुनः बहाल करें, अन्यथा हम उपचुनाव में भी हम विरोध करेंगे इसका। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि आप, अगर आपको राजीव गांधी नाम से अगर दिक्कत है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे पिछली वसुंधरा सरकार में हुआ था, राजस्थान युवा प्रेरक के नाम से आप सभी लोग नौकरियों पे लगे हुए थे, गहलोत सरकार आई तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो आपसे हम जानना चाहेंगे एक छोटी सी जानकारी कि राजस्थान युवा प्रेरक के नाम से जो आप सभी जो युवा मित्र थे, वो उस समय क्या काम करते थे? देखिए, हम उस समय जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं थी, जो गरीब लोग थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी, उनकी जानकारी हम घर घर जाके उनको दिया करते थे, और जो उसमें जो पात्र व्यक्ति हुआ करते थे उनको उनकी पात्रता के अनुसार, उनके जो डॉक्यूमेंट में जो एरर होता था, वो एरर को ख़त्म करके हम वो पात्रता के अप्लाई करके उनको उन योजनाओं को लाभ दिलाया करते थे। इन योजनाओं के दौरान हमने पेंशन में दिलाई, पालनहार के दौरान दिलाई, चिरंजीवी के दौरान लोगों को उनका लाभ, क्लेम बीमा पॉलिसी उनका लाभ दिलाया, और एक बोले तो अपने एक अपने पेंशन वाली होगी थी, एक विधवा पेंशन का भी हो गया था, और जो इंदिरा मोबाइल, जो मोबाइल योजना थी उसमें भी हमने लोगों को दिलाया। तो कहने का मतलब, जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं थी उनका हमने लाभ दिलाया दोनों ही सरकार में। तो इसमें अधिकतम लोग ऐसे थे कई लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं थी, तो हमने घर घर, गली गली का ढाणी ढाणी घूम कर इन ऐसे लोगों को ढूंढा, और उनसे फिर उनके डॉक्यूमेंटों की जाँच करके उन डॉक्यूमेंटों को उस अकॉर्डिंग तैयार करके उनको अप्लाई करवाया, और फिर उस दौरान उनको लाभ दिला। तो हमने इस परोपकारी के काम में अपनी उनको राहत दिलवाई, और इसके लिए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि क्या आप जो दावा करती थी हम गरीब की जननेते से सरकार है, तो चार चुनाव जीतते सरकार में आते, क्या इन्होंने जो जिन गरीब लोगों को जो हम लाभ दिलवाते थे, उन लोगों को जो लाभ, हमारा जो काम एक तरह से मीडिएटर का काम करते थे हम, मीडिएटर से क्या गरीब आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है,
कुछ भी योजना निकलती है, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ एक योजना निकली थी राशन कार्ड में नाम जुड़ाने, कई लोगों को उनकी जांच सूचना ही नहीं थी। और एक अभी किसान क्रेडिट, किसान केसीसी वाली जो किसान निधि योजना थी, उन लोगों की भी जानकारी नहीं थी। तो कई लोगों, और अभी प्रेजेंट टाइम में एक चल रहा है पेंशन, लोगों की जानकारी डॉक्यूमेंट के अभाव के चक्कर में आवेदन करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये, हमारी कमी जनता को बहुत महसूस हो रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि निष्पक्षता, निष्पक्ष सोच रखते हुए जो फील्ड में कार्यरत थे और जो सिर्फ काम कर रहे थे, भाई हम मानते हैं कि कुछ लोग, हम हमारे जो 5000 भाई थे उनमें कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने नौकरी नहीं करी, भाई राज किया, तो हम मतलब अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो जाहिर सी बात है उनकी छटनी हो सकती है, छटनी करें। पर कम से कम जो हम, जिनको हमें, हम लोगों ने जिन्होंने निष्पक्ष काम किया, कम से कम उनको तो रोजगार मिले। तो इससे ताकि हमारे जो परिवार की समस्या, कई लोग तो हमारे साथी भाई ऐसे हैं जिन लोगों की रोजगार के दम पे शादी संबंध होने वाले थे, वो शादी संबंध भी छूट गए, और कई लोगों के तो आत्महत्या कर लिए। जैसा कि हमारे बड़े भाई संजय मीणा जी ने बताया कि अभी 15-20 दिन पहले एक पाली जिले से, सोजत ब्लॉक से, एक रविंदर चौधरी करके कोई युवा मित्र भाई है हमारा, वो सदमे में आके कुएं में कूद के जान दे देता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर 9 से 10 महीने हो गए हमको बेरोजगार रहते हुए, पर उसके बावजूद आप मानते हो एक एक दिन बेरोजगारी के तहत निकालना कितना भारी, तो 10 महीने हो गए और लगातार नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सबके, और हमारा जो डिपार्टमेंट सीएम साहब के पास है, सीएम साहब को हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। तो हम एक कब तक, आखिर कब तक हम रोड पे धक्के दिखाते रहेंगे। अभी जैसा कि हम अर्जेंट टाइम में बीते दिनों मिले भी थे, पर हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा, शांतिपूर्वक धरना भी दिया, फिर दोबारा चुनाव के बाद दोबारा धरना, परमिशन नहीं देती, हमारे लाठी चार्ज किया गया। तो हम ये केसेस भी आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर संगीन धारा 307 लगा दी, FIR की कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या आज राजस्थान में जो सरकार बदल के आई है, तो हमें शांतिपूर्वक अपनी मांगों को उठाने का भी अधिकार छीनना चाहती है कि सरकार? तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें रोजगार से बहाल करें और फिर हमारा काम देखें। भाई हम लोगों ने निष्पक्ष काम किया और आगे भी करेंगे। हमारे लिए कोई सरकार, ना तो कोई कांग्रेस सरकार है ना कोई बीजेपी से, हमारे लिए सिर्फ राज्य सरकार है और हमारा एक ही काम है, एक ही दायित्व है कि हम जनता को लाभ पहुंचाएं। बिल्कुल, एक ही काम है इनका, जनता को लाभ पहुंचाना। सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक एक लोग तक पहुंचे, उसका लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, यही इनका पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी काम था जब इनका नाम राजस्थान युवा प्रेरक संघ के नाम से था। यही काम इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार में किया जब इनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र कर दिया। लेकिन अब क्योंकि ये 10 महीने से बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है सरकार की योजनाएं इन 9-10 महीनों में उन आम लोगों तक नहीं पहुँच रही। कुछ महिला मित्र भी हमारे साथ हैं। 10 महीने लंबा संघर्ष, इस संघर्ष को किस प्रकार से देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 10 महीने से युवा मित्र संघर्ष कर रहे हैं और बहुत हमने संघर्ष किया है, और इसमें हमारे 2 युवा मित्रों की जान भी जा चुकी है। जैसा कि एक धरना जब हमने दिया था उस टाइम राजकुमार गुप्ता जी की भी मृत्यु हो गई, और अभी थोड़े दिन पहले एक और युवा मित्र हैं हमारे पाली से, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे युवा मित्र बेरोजगारी के सदमे से बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे सारे युवा मित्रों के परिवार भी उन्हीं से ही चल रहे हैं। और तो हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के कि हमें, हमने जनता के लिए कार्य किया है, आगे भी हम योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे जनता को। हमें नाम बदल के दूसरा नाम दे दिया जाए, हमें पुनः रोजगार उपलब्ध कराया जाए युवा मित्रों को, और हमारी बहाली कर दी जाए। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नाम भले ही हमारा युवा मित्रों का, भले ही अटल युवा मित्र कर दीजिए या पंडित दीनदयाल युवा मित्र कर दीजिए, लेकिन कम से कम 10 महीने से बेरोजगारी का दंश जो लोग ये झेल रहे हैं उससे तो कम से कम इन्हें निजात मिलेगी। आप शासन स्तर पर भी कई अधिकारियों से आप मिले होंगे, कई फाइल आपने चलाई होगी, तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? सर देखो, हम अधिकारियों से भी मिले, डिपार्टमेंट में भी गए, लेकिन डिपार्टमेंट का तो कहना यही है भाई ये सरकार का आदेश है, अगर वो हमें लेटर दे दे हम तो तुरंत इशू कर देंगे तुम्हारे लिए भी। और सबसे बड़ी वो बात तो ये है कि हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सीएम साहब के पास में है, और सीएम साहब से हम टाइम भी मांग रहे हैं लेकिन इतने बिजी रहते हैं कि कोई टाइम भी नहीं मिल पाता हमें मिलने के। अगर डिपार्टमेंट किसी और के पास में होते तो हम उससे मिल लेते अब तक, लेकिन आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, चाहे कैसे भी करो, छटनी करो, लिस्ट मांगो, लेकिन हमें जल्दी पुनः बहाली किया जाए। ये जाहिर सी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन जो
दस महीने से लगातार ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम इनकी बेरोजगारी को रोजगार में बदला जाए। एक आखिरी सवाल आपसे हम बस यही पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 10 महीने से आप बेरोजगार घूम रहे हैं, और जैसा कि नई जानकारी अभी शायद ही हर किसी को नहीं पता होगी कि आप ही लोग वसुंधरा सरकार में भी राजस्थान युवा प्रेरक संघ के नाम से आप लोग काम कर रहे थे, तो कम से कम अब ये तो क्लियर हो गया कि ये मामला अब बीजेपी कांग्रेस का नहीं रहा है, ये अब राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला रह गया है। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। भजन लाल जी को बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार इसकी विस्तार पर अगर वो समीक्षा करेंगे तो इसका निष्कर्ष भी निकलेगा, जो किसान मजदूर के गरीब जो युवा हैं इनको रोजगार मिलेगा। और अब उन्होंने क्या है कि आनन फानन में डिसीजन लिया है, ये तो हम भी बात मानते हैं, क्योंकि हमारे पास 25 भाजपा के विधायकों की डिजायर है, 1800 सरपंचों की डिजायर है, और जब भाजपा के विधायकों से हम मिले तो उन्होंने भी कहा था कि आनन फानन निर्णय लिया है, हम भी बात रखेंगे। दबी जुबान में वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि गलत हुआ है निर्णय, तो रोजगार किसी का नहीं छीनना चाहिए। तो भजन लाल जी से ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा समय निकाल के आप इस फाइल को देखोगे तो ये युवाओं का मामला है। एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा आप ही की स्कीमों का फायदा जन जन तक पहुंचेगा, इससे आपकी सरकार की एक अच्छी छवि निकल के आएगी। इसलिए यही कहना चाहते हैं कि बड़ा दिल दिखा के आप युवा मित्रों का भला कीजिए। बिल्कुल, अभी भजन लाल जी विदेश यात्रा भी करके आए हैं और दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान नाम से इवेंट भी हो रहा है, एक बड़ा निवेश राजस्थान में आएगा, और मंच से स्वयं मुख्यमंत्री ने भी और सरकार के कई मंत्रियों ने ये कहा है कि इस यात्रा से और ये जो इवेंट हो रहा है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान में आएगा उससे कई जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि इससे आपको भी कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, सीएम साहब विदेश दौरे पे गए और सभी राजस्थान वासियों को उम्मीद है कि वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा, उद्योग जगत में नए रोजगार क्रिएट होंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है, आपको हमको एज ए युवा मित्र बाहर निकल के चाहे किसी भी रूप में किसी भी विभाग में हमें रोजगार दीजिए, लेकिन आप जो नई पॉलिसी ला रहे हो रोजगार देने की उसमें हमें मर्ज कीजिए। इसलिए हम भी आपको ये एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, हमें जो हमारा रोजगार छीना था उसको आपने वापस लौटाया है, और राजस्थान में 5000 युवाओं कि बेरोजगारों की संख्या कम होगी, आपका भी एक आंकड़ा सुदृढ़ होगा, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी में टॉप पर चल रहा है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो अगर आपकी किस कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपकी मनसा साफ है जनता के प्रति, तो आप हमारा रोजगार लौटाइए, और जो आपने पहला डिसीजन लिया था तो पहला डिसीजन वापस लेते हुए हमें 5000 का रोजगार दीजिए, हमें भी खुशी मिलेगी, दीपावली आ रही है, हमारे परिवारों में भी खुशियां लौटेगी। एक सवाल और यहाँ पर बनता है, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में आप लोग थे, आपका वही काम था सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, गहलोत सरकार में भी आप लोगों का यही काम था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कोई ऐसा काम आपको दे दिया जाए ताकि आप लोग जितने भी आप 5000 लोगों तमाम लोगों को एक स्थायित्व प्राप्त हो जाए, आपको हर सरकार में नाम बदलने की वजह से आपको धक्के नहीं खाना पड़े? हम वही बात सरकार से कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस भाजपा के दलदल से निकाल के इन युवाओं की कोई पार्टी नहीं होती, बेरोजगार युवाओं के सिर्फ रोजगार ही सब कुछ होता है। अगर आपने कांग्रेस शासन में लगे लोगों को आज हटाया, आपके शासन में क्या लोग लगेंगे? तो भाजपा के कार्यकर्ता ही थोड़ी लगेंगे, उनको कांग्रेस हटाएगी, तो एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। इसलिए परंपरा को आप ख़त्म करने का काम कीजिए, और हमें भी जो संविधान रूस 2022 है उसमें मर्ज कीजिए, जिससे हमें अनुभव के आधार पर आगे हम परमानेंट होंगे और हमें रोजगार मिलेगा। तो एक ऐसी पॉलिसी पे काम कीजिए, अगर ये कांग्रेस भाजपा के खेल में आप राजस्थान की जनता का हित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, इन युवा मित्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो कांग्रेस भाजपा वाली जो राजनीति है उसके चक्कर में ये युवा मित्र फंसे हुए हैं। भाजपा के शासनकाल में, वसुंधरा जी के शासनकाल में इनका कुछ और नाम था, उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इन लोगों का नाम परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वापस से जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इनका नाम परिवर्तन करना तो दूर की बात है, 10 महीने से इन्हें बेरोजगार छोड़ दिया गया है, धक्के खाने पर मजबूर इन्हें कर दिया गया है, और मजबूरी इतना हो गए हैं कि इनके दो साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। इन युवा मित्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि आप कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से इतर हट के अगर आप सोचेंगे और अगर आप हमें परमानेंट करते हैं तो उससे ना सिर्फ आपकी यानी कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचेगी, बल्कि जो एक बेरोजगारी का आंकड़ा जो राजस्थान में है उसमें से 5000 की संख्या कम होगी। तो जाहिर सी बात है, इन युवा मित्रों का अपने मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही कहना है कि हम 5000 लोगों की फाइल को एक बार आप समय निकाल के देखिए तो आपको भी ये लगेगा कि इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, और इन्हीं का दर्द जब आप समझेंगे, इनको रोजगार दिलाएंगे, तो ना सिर्फ इन बेरोजगारों का जो हम कह सकते हैं दर्द दूर होगा, बल्कि सरकार जो इतनी तमाम योजनाएं चलाती है
वो जन जन तक पहुंचाने का काम भी यही युवा मित्र करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।